हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन नंबर वन में टर्म्स को देखना है, फंक्शन को देखना है और उसकी टाइप बतानी है कि भाई वो कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम जितने भी इसने फंक्शन के नाम दिए ना, वो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको समझाने में, जब आप समझ जाएंगे तो 2 मिनट में बता सकेंगे कि भाई कौन सी चीज कौन से टाइप का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बेसिक डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा आपको कितना ही ईजी लगेगा। ठीक है बेटा, तो चले जी आ जाए। तो भाई सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं बेटा, पॉलीनोमियल इक्वेशन जो होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सही जी बेटा, ये आपके पास पॉलीनोमियल फंक्शन के अंदर आता है। तो ऐसी कोई भी टर्म हो जाए उसको हम, ऐसी कोई भी टर्म या कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी फंक्शन, यानी कि आपको एफ ऑफ एक्स करके दे दिया जाए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पॉलीनोमियल दी गई है, फंक्शन के इक्वल दिए गए हैं। तो लिहाजा आपके पास ये पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन दे दी जाए, आपको क्या बोलेंगे, वो अलजेब्रिक फंक्शन है। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस एक्स की पावर 4 दे दी जाए, तो ये क्या है, ये भी आपके पास अलजेब्रिक, क्योंकि एक पॉलीनोमियल फॉर्म में दिया गया लेकिन डिवाइड में लिखा है, लेकिन है ये भी अलजेब्रिक फंक्शन। सही जी बेटा, पहला तो समझ आ गया अल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होती है। पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास लिखा हुआ वो फंक्शन क्या होगा, अल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेसिकली होते हैं कि आपका जो वेरिएबल होता है ना, अगर पावर में लिखे आ जाए, मिसाल के तौर पर सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं ए की पावर एक्स, सही जी बेटा, इसी तरीके से ई की पावर एक्स, ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। साल के तौर पर आपके पास ए की पावर एक्स प्लस 2 भी लिख के आ सकती है। तो ये तमाम इस तरह की फॉर्म में आ जाए, यानी कि आपका जो वेरिएबल हो पावर की फॉर्म में आ जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जिस टर्म के अंदर, जिस फंक्शन के अंदर लॉग लिखा हुआ आ जाएगा, आप उसको आंखें बंद करके क्या कह देंगे, वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। उसके अलावा ln, ठीक है जी, ln हमारे पास नेचुरल लॉग को प्रेजेंट करता है लेकिन होता लॉग ही है, सही जी बेटा। तो जिस टर्म के अंदर लॉग या ln लिखा हुआ आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, सही जी। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइन, ठीक है ना, साइन एक्स, कोस एक्स, ठीक है जी बेटा, और उसके अलावा टेंजेंट एक्स। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इसके अलावा इनका इन्वर्स कर दिया जाए, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, कोस का इन्वर्स क्या होता है, सेक, ठीक है जी बेटा, और टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है, कोट। तो भाई आपके पास क्वेश्चन के अंदर या फंक्शन के अंदर आपको ये चीज इसमें, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिख जाए, तो आप उसको आंखें बंद करके कहेंगे कि वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सही है जी। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, अब भाई इतनी आसान सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका इन्वर्स कर दिया जाए, ये सही जी, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स और टेंजेंट इन्वर्स, सही जी बेटा। और इनका इन्वर्स होता है कोसेक इन्वर्स, इसके अलावा कोस का इन्वर्स क्या होता है, सेक इन्वर्स, सही जी। उसके अलावा कोट, हम कोट टेंजेंट का कोट इन्वर्स को प्रेजेंट करता है। तो लिहाजा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स, जिस भी टर्म के अंदर आपके पास लिखा हुआ आ जाए, तो आप आंखें बंद के करके क्या कह देंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इन्वर्स का साइन ये होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर इन्वर्स का साइन नहीं होता। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं इस चीज के ऊपर, आई होप के अलजेब्रिक, हाँ ये लिखे हुए। अब हम लास्ट सिर्फ 2 टाइप ऑफ फंक्शन रह गए, इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, ये बेसिकली बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होते हैं। साल के तौर पे यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, साइन, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन में यहाँ पे एंगल के साथ आपके साथ एच आ जाता है। इसी तरीके से साइन के बाद हम लोगों ने कोस लिया था, कोस के साथ एच आ जाता है और एक्स आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास टेंजेंट हम लोगों ने था, टेंजेंट के साथ भी एच आ जाता है और एंगल एक्स होता है, यानी कि एंगल के साथ आपके साथ एच लिखा हुआ है। साइन का इनवर्स क्या था, साइन का इनवर्स हमारे पास कोसेक था, लेकिन यहां पे हम ये हाइपरबोलिक फंक्शन में आए, तो इसके साथ एंगल के साथ क्या आएगा, एच आ जाएगा। कोस का इनवर्स क्या था, सेक था, लेकिन हम ये हाइपरबोलिक में पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा एंगल के साथ एच आ जाएगा। टेंजेंट का इनवर्स क्या था, कोट था, लेकिन हम हाइपरबोलिक फंक्शन में पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा एच आ जाएगा एंगल के साथ, सही स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, कि एंगल के साथ आपको एच लिखा हुआ नजर आ जाए, तो आपने उसको क्या कह देना है, वो हाइपरबोलिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, एंगल सिर्फ एक्स होगा, लेकिन अगर एंगल में आपको एच लिखा हुआ नजर आ जाए, ठीक है जी बेटा, आप उसको बोल देंगे हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसी तरीके से इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन सिर्फ ये होंगे आपके पास जिसमें इनवर्स लिखा हुआ आ जाए।
और इनवर्स का साइन जो होगा वो एच के ऊपर होगा। सही जी बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स का साइन साइन के ऊपर, कोस के ऊपर होता था, टेंजेंट के ऊपर होता था, लेकिन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर इनवर्स का साइन इसके ऊपर होगा। सही जी बेटा, इसी तरीके से साइन था, साइन के बाद हमारे पास कोस एच इनवर्स एक्स हो जाएगा, उसके अलावा टेंजेंट एच इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर साइन का इनवर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोसेक, ठीक है जी, एच इनवर्स एक्स, इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स, और इसके अलावा कोट एच इनवर्स एक्स हो जाएगा। सही स्टूडेंट, तो यहां पे आके आपने लास्ट चीज पढ़ ली, हाइपरबोलिक फंक्शन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अच्छा जी, हाइपरबोलिक फंक्शन अक्सर बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर ये थोड़ी चीज परेशान कर रही है, लेकिन भाई भाई आपकी बुक में भी दिखा देता हूं, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने जब इसको गूगल किया, गूगल में पढ़ा और उसके अलावा आपकी बुक के अंदर पढ़ा, ये जरा देखिएगा। तो इसमें जरा देखिए, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन आर डिफाइंड इन द वे सिमिलर टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एज द नेम सजेस्टेड द ग्राफ ऑफ हाइपर हाइपरबोलिक फंक्शन रिप्रेजेंटेड अ हाइपरबोला। बेसिकली इसने खुद आपकी बुक के अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सप्लेन किया है कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपलर सिमिलर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो आपके पास हाइपरबोला होता है, बेसिकली आप लोग चैप्टर नंबर आई थिंक 9 है, चैप्टर नंबर 9 में ये हाइपरबोला की ये शेप होती है। सही जी बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर बोला। सही जी बेटा, आप लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर इसको इन डिटेल तमाम तरीके पढ़ेंगे। तो भाई हाइपरबोला के अंदर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाए तो उसके जो एंगल होते हैं उसके अंदर हम एच से प्रेजेंट करते हैं। सही जी बेटा, तो आपकी बुक में कहा गया है कि हाइपरबोलिक फंक्शन बेसिकली सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लेकिन ये हाइपरबोलिक फंक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं हाइपरबोला को, तो ये एक चीज है, लेकिन हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे पास फंक्शन के अंदर कभी भी एंगल के साथ एच लिखा हुआ आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन है। अगर एच लिखा हुआ नहीं आएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके अलावा इनवर्स का क्या कॉन्सेप्ट था, सिर्फ -1 लिखा होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एच के ऊपर -1 लिखा होगा तो हम बोल देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप कि यहां पे आके जितनी भी टाइप आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज होने वाली थी वो एक्सप्लेन कर दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और पहचानते हैं कि भाई इसमें से कौन सी वो एक्सप्रेशन है और उसका फिर नाम देना है। सिर्फ ये काम हम लोगों को करना स्टूडेंट। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन विच, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। तो नीचे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, नीचे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनको हम लोगों को बताना है कि वो कौन सी टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। तो आई होप अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कशन की है आप इजीली उनको समझने के बाद जवाब दे सकेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जरा देखिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा है। ये एक पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है। तो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन किसको डिफाइन करती है, अलजेब्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक, ठीक है जी बेटा, अलजेब्रिक फंक्शन है। सही है जी स्टूडेंट। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 के अंदर जरा देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। तो ये बात आपको पता है कि टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर इनवर्स का साइन आया हुआ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पार्ट जो 2 है वो इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सही है जी स्टूडेंट। इसके आते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में y इक्वल टू 2x प्लस 1 लिखा है। तो अब यहाँ पे आप जरा देखें, जो वेरिएबल है x जो है वो पावर के ऊपर है, तो ये बात आपको पता है जब भी हमारा वेरिएबल पावर के ऊपर आता है वो फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। लिहाजा आप यहाँ पे लिख देगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही है जी स्टूडेंट। फिर उसके बाद चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हम जरा देखते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू log x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले log लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपके पास logarithm फंक्शन के अंदर आ जाएगी। तो लिहाजा आप लिखेंगे logarithmic, logarithmic, logarithmic फंक्शन। ठीक है जी बेटा। अब इसके बाद चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स लिखा हुआ है। तो लिहाजा एंगल यानी कि साइन लिखा है, साइन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है। तो पार्ट 5 हमारा ट्रिग्नो, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सही है जी। अब इसके बाद चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो भाई यहाँ पे जरा देखिएगा, ए साइन एक्स है,
अब यहाँ पे जरा समझने की चीज है, पार्ट नंबर 6 के अंदर ये आपके पास एक्सप्रेशन दी है y इक्वल टू a की पावर साइन x है। सही जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर बच्चे बोलेंगे सर क्या होगा इसके अंदर साइन x लिखा हुआ है, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है। नहीं भाई, सबसे पहले चीज जरा देखो क्या है, पावर के अंदर आपके पास वेरिएबल दिया गया है, तो लिहाजा पावर में जब वेरिएबल होता है तो हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है। सही जी स्टूडेंट, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सही है जी स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे, पार्ट 6 हो गया, पार्ट 7 पे आ जाए। इधर जरा देखिएगा, अगेन ये आपके पास ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 9 आपके पास पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन दी है, ऊपर और नीचे दोनों पॉलीनोमियल है, तो लिहाजा ये जो एक्सप्रेशन किसको, जब पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन होती है वो अल्जेब्रिक फंक्शंस के अंदर आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 क्या है, अल्जेब्रिक, ठीक है जी बेटा, अल्जेब्रिक फंक्शंस। सही जी बेटा, फिर उसके बाद चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो यहाँ पे आप जरा देखिए साइन एक्स अपॉन सेक एक्स, तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर्स दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया गया, तो लिहाजा ये जो है आपके पास क्या आ जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए। फिर इसके बाद चलते हैं पार्ट 9 की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, y इक्वल टू लोग ए साइन एक्स, तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बेसिकली लॉगरिथमिक है। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये तो साइन एक्स भी लिखा हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होना चाहिए, तो बेटा इस एक्सप्रेशन के अंदर जो पहले चीज लिखी होगी ना उसको आपने देख लेना है सिर्फ। सही जी बेटा, तो पहले लोग लिखा हुआ है तो लोग के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। सही जी बेटा, आपने अगली चीज को नहीं देखना, लॉगरिथमिक, ठीक है जी बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले 10वें पे, यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे कोसेक इनवर्स लिखा है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कोसेक इनवर्स है, तो ये क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सही है जी, अब आगे चलते हैं, इसके बाद 11वां देखते हैं, यहाँ पे जरा देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट साइन एक्स, टेंजेंट के एंगल में भी साइन एक्स लिखा है, तो भाई कॉमन सेंस ही बात है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये है। सही है जी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर टेंजेंट आते हैं, तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख देगा ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सही है जी, इसके बाद चलते हैं अगले पे, 11वां हो गया, अब आते हैं 12वें पे, तो 12वें में जरा देखिए x अपॉन x प्लस 3 पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आपने सिंपल लिख देना है ये क्या है, ये आपके पास अलजेब्रिक में आती है, तो पार्ट नंबर 17 के अंदर अलजेब्रिक थी, अलजेब्रिक फंक्शन। सही है जी बेटा, क्यों, क्योंकि वो एक आपके पास सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ था। फिर इसके बाद चलते हैं पार्ट 13 की तरफ, पार्ट 13 में आपके पास साइन एच एक्स लिखा हुआ है। सही जी स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एच एक्स है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल के साथ एच लिखा हुआ आ जाता है वो किस में बन जाता है, हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर बन जाता है। सही है जी स्टूडेंट, काइंडली इस चीज पर फोकस कीजिएगा। तो हमारा पार्ट नंबर 13 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हमारा क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंगल के साथ एच लिखा हुआ है। सही जी, अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं अगले में, जरा देखिएगा यहाँ पे y इक्वल टू एल एन कोस एच एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है, ln किसके अंदर आता है, ln इज अ नेचुरल लॉग, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। सही जी बेटा, लेकिन आगे चलेंगे तो ये कोस एच एक्स लिखा हुआ है, एंगल के अंदर h लिखा हुआ है, तो ये मुझे बताएं लॉगरिथम फंक्शन बनेगा या ये वो बनेगा, हाइपरबोलिक फंक्शन बनेगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा, क्योंकि इस पूरी फंक्शन के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर पहले आपके पास ln लिखा हुआ है, ln इज प्रेजेंटिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। सही जी स्टूडेंट, जो चीज पहले लिखी होती है वो मेन फंक्शन होता है, तो यहां पे ln पहले लिखा है, ln हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर आता है। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 14 जो है, ठीक है जी बेटा, वो क्या है, हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है जी, लॉगरिथमिक फंक्शन। सही जी बेटा, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, अगला 15 पार्ट है, तो 15 पार्ट हमारे पास ये लिखा हुआ, अब इसमें क्या है, y इक्वल टू टेंजेंट h के ऊपर इनवर्स x लिखा हुआ है, तो h के ऊपर इनवर्स का साइन आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाता है। सही जी बेटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक, ठीक है जी, बोलिक फंक्शन। सही है जी, ओके हो गया, अब आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ये हमने कर लिया था, लास्ट पार्ट है, पार्ट 16, इसमें हमें क्या दिया गया है, कोस
y इक्वल टू कोस इनवर्स ln x, तो यहाँ पे आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले लिखा है और फिर ln बाद में लिखा है. ln इज प्रेजेंटिंग लॉगरिथमिक फंक्शन और कोस इनवर्स प्रेजेंटिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सही जी बेटा, तो पहले कोस इनवर्स लिखा हुआ है तो लिहाजा आपका जो फंक्शन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आएगा, इनवर्स ट्रिग्नो, ठीक है जी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये आएगा. तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर वन जो था पेपर पॉइंट से सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक था. आई होप आपका तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा.